गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून मैम. थैंक यू. शिवानी, तुम्हारी टेनिस प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है मैम, और नेक्स्ट मंथ टूर्नामेंट भी है. ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. मैम, आपसे एक बात. सवाल ना पूछे, वो स्टूडेंट कैसा, पूछो. मैम, हमारे स्कूल में इतने सारे पेड़ पौधे हैं, सबको माली देखते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि यहाँ की पेड़ों को आप खुद देखती है, इनमें ऐसा क्या खास है? इसे जानती हो? चीकू. और ये? चंपा. ये मंजू है और ये आनंद करवा. मंजू, आनंद, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, मेरी बैच ऑफ 95, मेरी सबसे पहली बैच, जिन्हें मैंने पढ़ाया और उन्होंने मुझे टीचर बनना सिखाया. और ये राहुल जोशी, क्लास का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क. इसके सवालों ने इस मैथ्स टीचर को हिस्ट्री की स्टूडेंट बना दिया. और ये तुम्हारी तरह स्पोर्ट्स जीनियस रीमा शाह, और वो बैक बेंचर्स देख रही हो, क्लास के रॉकेट लॉन्चर्स. सुना है हाल ही में इन्होंने खुद का कोई स्टार्टअप लॉन्च किया है. काका, पर इन पेड़ों से बैच ऑफ 95 का क्या कनेक्शन? जब वो बैच पास आउट हुई तो सबने अपने अपने नाम का एक पौधा मैम को गिफ्ट दिया. क्लास तो आगे निकल गई, लेकिन मैम अभी वही है, बैच ऑफ 95 के साथ. लेकिन अब इनसे अलग होने का वक्त आ गया. अलग क्यों? आपको पता नहीं, अगले हफ्ते मैम रिटायर हो रही है. ओ हाँ. किताबों के पन्ने पलटे कई हैं, कहानी अभी भी जहाँ थी वही है. मैम जी. मैम, कैसे हैं आप? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं. कैसे पहचानेंगी मैम, आपके पौधे अब पेड़ जो बन गए हैं. मैम, आनंद करवा, रोल नंबर 28. मैम, अमिता देशपांडे, रोल नंबर 18. डॉक्टर चिन्मय शेट्टी मैम. ढूंढे किसी ने जो किरदार. ये सब तुमने किया? आपका फेयरवेल गिफ्ट, बैच ऑफ 95 फ्रॉम द बैच ऑफ 25. हर एक पन्ना, हर एक किस्सा जरूरी मिल जाए सारे तो कहानी है पूरी. जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी. पार्ले जी, जी माने जीनियस.